Like a Hellcat. Hello everyone, welcome again. This is Vinay Pandey here again. Students, रियल एनालिसिस का रीमेन इंटीग्रेशन का आज सेकंड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो जो था उस वीडियो में हमने किसी भी क्लोज इंटरवल के पार्टीशन के बारे में पढ़ा था, रिफाइनमेंट के बारे में पढ़ा था. आप पहले उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के लिए. तो फर्स्ट वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो और ईजिली समझ में आएगा. आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उनको अप्लाई करना हम सीखेंगे. अपर सम लोअर सम के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ से बहुत चांसेस रहते हैं कि आपको या तो डेफिनेशन या फिर आपको कोई ना कोई थ्योरम एग्जाम में मिलनी ही मिलनी है इस चैप्टर से. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ. अगर इसमें दो टर्म्स आपको मिलेंगे, एक मिलेगा सुप्रीमम और एक मिलेगा इन्फीमम. ये दोनों वर्ड्स पे ही पूरा जो अपर सम और लोअर सम और अपर इंटीग्रेशन लोअर इंटीग्रेशन जो है वो इन्हीं दो वर्ड्स पे बेस्ड है. इन्फीमम और सुप्रीमम होता क्या है एक्चुअल में, मैं एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. ये थोड़ा लीक से हटके है, अभी हम मैथमेटिकली नहीं समझ रहे, पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको अलग समझा रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट में शूज़ लेने जाते हैं और शूज़ लेने में आपको अपने शूज़ का साइज़ नहीं पता, तो आप जब अपना साइज़ ट्राई करेंगे तो जो शूज़ दिखाएगा आपको वो शूज़ के अलग अलग साइज़ आपको दिखाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आपका 9 साइज़ है तो 9 साइज़ में क्या होगा, जो शॉपकीपर है वो 10 11 9 ये 3 साइज़ लाएगा अपने आइडिया से. सपोज 8 साइज भी ले आया तो होगा क्या, जब आपने 11 जो साइज है उसको ट्राई किया तो ये साइज बड़ा होगा, 10 ये साइज भी आपको बड़ा होगा, लेकिन जो 9 जो साइज आप पहनोगे वो साइज क्या होगा, एग्जैक्टली आपके पैर पे फिट आएगा. जैसे ही आप 8 साइज ट्राई करोगे तो उसमें आपका पैर जाएगा ही. तो इसका मतलब ये जो बड़ी वैल्यूज है, इन बड़ी वैल्यूज में जो सबसे छोटी वैल्यू थी इसी वैल्यू को हम बोलते हैं सुप्रीमम. बहुत ध्यान से समझिएगा इसको. सुप्रीमम क्या है, जितनी बड़ी वैल्यूज है उन बड़ी वैल्यूज में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको हम सुप्रीमम बोलते हैं. इसको हम लीस्ट अपर बाउंड से भी डिनोट करते हैं. सुप्रीमम को ही हम क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड. इसी को अगर हम कन्वर्सली समझें, अगर आपका साइज 9 है और शॉपकीपर ने ये साइजेस आपको दिखाए, 6 आपका फिट नहीं आएगा, पैर नहीं जाएगा उसमें. ऐसे ही आपने अलग अलग ट्राई के लिए जैसे ही आप 9 पे पहुंचे तो आपका पैर उसमें पूरा पूरा फिट आ जाएगा. तो होगा क्या, ये छोटी वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, इन छोटी वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है इस वैल्यू को हम बोलते हैं इन्फीमम. सारी छोटी वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फीमम. और इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. सारी बड़ी वैल्यूज में जो सबसे छोटी वैल्यू थी सुप्रीमम, सारी छोटी वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, इन्फीमम. ये है लीस्ट अपर बाउंड, ये है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. तो ये एक प्रैक्टिकली मैंने एग्जांपल आपको समझाया है. जहां जहां पर इन्फीमम और सुप्रीमम वर्ड आएगा आप इस एग्जांपल को ध्यान रखिए, आपको वो न्यूमेरिकल भी समझ में आएगा और जो जो थ्योरम्स आप करेंगे वो भी आपको इजिली समझ में आ जाएंगे. अब हम बात करें, अगर मैथमेटिकली समझने की बात करें, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, फिलहाल मैं इसकी बात करूं, एक्स क्या है, 2 है, 2 के इक्वल है, उससे छोटा है. तो अगर सिर्फ इतना मैं बात करूं, अगर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है तो इसी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 को मैं एक्स लेस देन 3 भी लिख सकता हूं, एक्स लेस देन 4 भी लिख सकता हूं, 5 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 2 से अगर वो छोटा है तो 3 से तो छोटा होना ही होना है. तो ये जो एक्स है इसकी, ये जो 2 है, मतलब ये जो एक्स था ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है. तो अगर ये 2 इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये 2 से छोटा है तो 3 से भी छोटा है.
फोर से भी छोटा है, फाइव से भी छोटा है, तो ये सारी वैल्यूज जो है, ये सारी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, अपर बाउंड्स। मैथमेटिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज क्या है, अपर बाउंड्स है। और इन अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, मैंने जो भी प्रैक्टिकली आपको बताया शूज के एग्जाम्पल से, इन सारी बड़ी वैल्यूज में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, सुप्रीमम बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा मैथमेटिकली। और अगर कोई वैल्यू एक्स जो है जीरो से बड़ी है, उसके इक्वल है, तो उसको हम एक्स ग्रेटर देन माइनस वन भी लिख सकते हैं, माइनस टू भी लिख सकते हैं, माइनस थ्री भी लिख सकते हैं। तो ये जितनी वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज इसके लिए किसका काम कर रही है, लोअर बाउंड्स। लोअर बाउंड्स मतलब उसको बाउंड कर रही है वैल्यू को। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, माइनस वन भी लिख सकते हैं, माइनस टू भी लिख सकते हैं। तो ये जितनी छोटी वैल्यूज हैं, ये सारी क्या है, इसके लोअर बाउंड्स हैं। इन सारी लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इन्फिमम। तो इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला कि लीस्ट अपर बाउंड क्या है, सुप्रीमम है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, इन्फिमम है। तो आप ये याद रखिएगा, सुप्रीमम होगी तो बड़ी वैल्यू, लेकिन सारी बड़ी वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू होगी। इन्फिमम क्या है, होगी तो छोटी वैल्यू, लेकिन जितनी छोटी वैल्यूज हैं उन छोटी वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू होगी। जैसे आप HCF और LCM पढ़ते थे, कुछ कुछ कंसेप्ट वैसा ही है यहाँ पे। तो इन्फिमम और सुप्रीमम आपको क्लियर है, इन्फिमम इज द लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम इज द लीस्ट अपर बाउंड एंड इन्फिमम इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब आते हैं हम अपर एंड लोअर डरबॉक्स सम। इसको डरबॉक्स भी पढ़ा जाता है, अपर एंड लोअर रिमेन सम भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह पर रिमेन सम भी लिख सकते हैं, रिमेन इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं। तो अपर एंड लोअर रिमेन, जो रिमेन इंटीग्रेशन हमको पढ़ना है, वो रिमेन इंटीग्रेशन आप तभी कर पाएंगे जब तक आपको ये लोअर और अपर रिमेन सम्स नहीं आएंगे। डेफिनेशन देखिए पहले ध्यान से, एक फंक्शन आपको दिया हुआ एफ, वो फंक्शन एक क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी से कहां मैपिंग कर रहा है, रियल नंबर्स में मैपिंग कर रहा है, ये तो पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। बी है बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड मतलब क्या है, उसके अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। फंक्शन की क्या है, फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। पी उसका क्या है, पार्टीशन है। आपको याद होगा इससे पहले वीडियो में मैंने पार्टीशन काफी डिटेल में बताया था आपको। पार्टीशन क्या है, किसी भी क्लोज इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में जब हम डिवाइड कर लेते हैं, ये एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, ये जो पूरा सेट का कलेक्शन था, इसी को हमने क्या बोला था, पार्टीशन। अगर एक पार्टीशन दूसरे पार्टीशन को कंटेन कर रहा है, तो बड़ा वाला जो पार्टीशन होता है उसको हमने क्या बोला था, रिफाइनमेंट। ये भी हमने पहली वीडियो में देखा था। तो एफ क्या है, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी से रियल नंबर्स में मैपिंग कर रहा है, और ए कॉमा बी का एक पार्टीशन आपको ये दिया हुआ है, सब इंटरवल्स ये दिए हुए हैं। कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है उस फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू, और स्मॉल एम क्या है, इन्फिमम वैल्यू, जो मैंने अभी आपको बताया। मतलब सीधा सीधा हम ये कहें तो फंक्शन जो एफ एक्स है, उस एफ एक्स की इस क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कैपिटल एम है, और इस पूरे क्लोज इंटरवल में फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, स्मॉल एम है। आगे देखते हैं, एम आर एंड स्मॉल एम आर। अब होगा क्या, इसमें ये तो पूरे पूरे इंटरवल के लिए है, और ये जो है एक आर एथ इंटरवल भी यहां रहा होगा, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर। इस इंटरवल सब इंटरवल में फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कैपिटल एम आर है, और सबसे छोटी वैल्यू है स्मॉल एम आर, ये दिया हुआ है। देन द सम एम वन डेल एक्स वन एम टू डेल एक्स टू, इस पूरे सम को हम क्या बोलते हैं, अपर रिमेन सम या अपर डरबॉक्स सम, ऐसे ही इसको हम डिनोट करते हैं यूपीएफ से, और लोअर सम में स्मॉल एम आर आ जाएगा। अभी ये डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं हुई होगी, अब इस डेफिनेशन को मैं डिटेल में डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये डेफिनेशन में फिलहाल हटा दे रहा हूँ। अब ध्यान से समझिए आप इसको, जो कंसेप्ट है, जो फंक्शन है, वो फंक्शन आपको एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है ए कॉमा बी, इस क्लोज इंटरवल से रियल नंबर्स में मैपिंग कर रहा है। क्लोज इंटरवल में बना दे रहा हूं ए और बी। अब इस क्लोज इंटरवल के क्या किए हैं, पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन आपको बताया था, इस क्लोज इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, ऐसे करते करते क्या होगा यहाँ पे, एक्स आर माइनस वन, एक्स आर, और लास्ट आ जाएगा एक्स एन।
तो ये हमने एक पार्टीशन इसका बना लिया, पी एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर और एक्स एन इक्वल टू वी। इसको ध्यान से समझिए, जो जो सब इंटरवल बनाए गए हैं वो सब इंटरवल है क्या? एक सब इंटरवल ये है, एक सब इंटरवल ये है, ऐसे सब इंटरवल इसके अलग अलग हैं। होगा कि ये जो क्लोज इंटरवल ए कमा बी है, फंक्शन आपको कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन डिफाइन करके दे दिया जो यहां से यहां एक मैपिंग कर रहा है। इस फंक्शन में आपने ए और बी जो क्लोज इंटरवल था ए और बी को मिला करके एक ए और बी के बीच के सारी वैल्यूज फंक्शन में रख दी, सारी वैल्यूज रख दी ए और बी से पूरी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो कैपिटल एम है और जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो क्या है? स्मॉल एम। अभी आपको मैंने बताया जो बड़ी वैल्यू थी उसको हमने क्या बोला था? सुप्रीमम। और जो छोटी वैल्यू थी उसको क्या बोला था? इन्फिमम। तो ये इस फंक्शन एफ एक्स की इस क्लोज इंटरवल ए कमा बी में सबसे बड़ी वैल्यू एम है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? स्मॉल एम। फिर इसने क्या किया, ये जो पार्टीशन डिवाइड किया था इस पार्टीशन में, इस पहले वाले सब इंटरवल में, पहला सब इंटरवल क्या है? पहला सब इंटरवल है एक्स नॉट से एक्स वन का। इस इंटरवल में फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो एम वन है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? एम टू है। फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूं। और इस इंटरवल की लेंथ क्या हो जाएगी? इस इंटरवल की लेंथ हो जाएगी एक्स वन माइनस एक्स नॉट, जिसको हमने इस लेंथ के बाद मैंने आपको एक नॉर्म वाला टॉपिक भी बताया था इसके पहले वीडियो में। तो ये पहले इंटरवल की लेंथ हो गई, इसको हम डिनोट करेंगे डेल एक्स वन से। फिर दूसरा सब इंटरवल क्या है? एक्स वन से एक्स टू। इस ये सुप्रीमम वैल्यू है और ये क्या है? इन्फिमम वैल्यू है। इस दूसरे सब इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू एम टू है, सबसे छोटी वैल्यू एम टू स्मॉल एम टू है और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? एक्स टू माइनस एक्स वन, बड़ी वैल्यू से छोटी को माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? डेल एक्स टू। ऐसे आते 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 हम आरएथ सब इंटरवल में आएंगे, एक्स आर माइनस वन एक्स आर, इसमें फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू एम आर, सबसे छोटी वैल्यू एम आर और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? एक्स आर माइनस वन, जिसको हम डिनोट करेंगे डेल एक्स आर। और ऐसे ही लास्ट सब इंटरवल में हम अगर जाएंगे तो लास्ट क्या हो जाएगा? एक्स एन माइनस वन एक्स एन, इसमें एम एन और एम एन की वैल्यू हो जाएगी और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? एक्स एन माइनस वन डेल एक्स एन। तो ये सारी फंक्शन की सबसे बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं इन इंटरवल में और छोटी छोटी वैल्यूज ये हैं। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो अपर सम है, अपर रिमेन सम क्या है? अपर रिमेन सम में क्या है? जितनी ये बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, सुप्रीमम वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को इनसे मल्टीप्लाई किया, एम वन डेल एक्स वन, इसकी सुप्रीमम वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, एम टू डेल एक्स टू और ऐसे करते करते एम एन डेल एक्स एन। तो अपर सम में कौन सी वैल्यूज आ रही है? सुप्रीमम वैल्यूज। तो ये यूपीएफ का फॉर्मूला बन गया, कैपिटल एम आर डेल एक्स आर, आर की वैल्यू कहां से गए? वन से लेके एन तक, ये आपका यूपीएफ का फॉर्मूला बन गया। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और एलपीएफ क्या है? एलपीएफ में आप देखिए जो इन्फिमम वैल्यू थी पहले सब इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? एम टू है। इस एम टू को सॉरी यहाँ पर M2 नहीं है, M1 ही रहेगा, स्मॉल M1। फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू है सबसे पहले इंटरवल में क्या है? स्मॉल M1। इसको आपने फिर उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, M2 डेल X2 और ऐसे करते करते MN डेल XN। तो LPF का फॉर्मूला क्या बन गया शॉर्ट फॉर्म में? समीशन स्मॉल MR डेल XR, R की वैल्यू क्या है? 1 से लेके N तक, ये आपका LPF का फॉर्मूला हो गया। तो जितने सब इंटरवल बन रहे हैं उन सब इंटरवल में फंक्शन की जो सुप्रीमम वैल्यूज है इनटू उसकी उस सब इंटरवल की लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करोगे आप और उन सबको ऐड करोगे तो वो अपर सम होगा। और जितनी इन्फिमम वैल्यूज हैं उन इन्फिमम वैल्यूज को करस्पॉन्डिंग सब इंटरवल के लेंथ से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे आप तो वो क्या हो जाएगा? लोअर रिमेन सम। तो ये अपर सम और लोअर रिमेन सम है। पहले आपको सुप्रीमम और इन्फिमम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके बाद आपको ये यूपीएफ और एलपीएफ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पूरा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये। अब आगे देखिए एक थ्योरम हम देखते हैं इस पे बेस्ड। पहली थ्योरम जो है काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इफ एफ
एक फंक्शन आपको दिया है उसी तरीके से क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी से आर में एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, वो बाउंडेड फंक्शन है और पी इसका एक पार्टीशन आपको दिया हुआ है। तो आपको ये प्रूफ करना है, इस कंडीशन को प्रूफ करना है जहां पर स्मॉल एम क्या है इन्फिमम है, कैपिटल एम क्या है सुप्रीमम है। बार बार ये आपको वर्ड रिपीट होता हुआ मिलता रहेगा सुप्रीमम और इन्फिमम, तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा। जो पार्टीशन है वो पार्टीशन हम क्या मान लेते हैं, पी इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू ए एक्स वन एक्स टू, ऐसे ही आर एथ इंटरवल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और लास्ट क्या हो जाएगा एक्स एन इक्वल टू बी। बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। देखो एम क्या है इनफीमम ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, कैपिटल एम क्या है सुप्रीमम है सबसे बड़ी वैल्यू है ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। अब ये तो उस फंक्शन की सुप्रीमम और इनफीमम वैल्यू की बात हो गई, उस पूरे क्लोज इंटरवल में हमने एक वैल्यू मानी थी स्मॉल एम आर, ये इनफीमम वैल्यू है किसकी फंक्शन की इन आर एथ सब इंटरवल, आई आर से रिप्रेजेंट किया था। आर एथ क्या है इसका इंटरवल एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, और कैपिटल एम आर क्या है सुप्रीमम ऑफ एफ इन आर एथ सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन और एक्स आर। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको पहले थ्योरम के प्रूफ में एक्सप्लेनेशन पूरा आपको देना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, पहले मैं फिर से उसी तरीके से डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये ए था ये बी था ये एक्स नॉट था, पार्टीशन एक्स वन इस तरीके से यहाँ पे क्या था एक्स आर माइनस वन ये एक्स आर और ऐसे करते हुए एक्स एन। इसको ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू आपको दी है जो कैपिटल एम और स्मॉल एम वैल्यू है इस पूरे क्लोज इंटरवल में यहां से लेके यहां तक, इस पूरे क्लोज इंटरवल में फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है कैपिटल एम, और इस पूरे इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू क्या है स्मॉल एम, ये सुप्रीमम है और ये क्या है इनफीमम है। पूरे इंटरवल की बात हो रही है, मतलब कहने का मतलब ये है ए से बी तक की फंक्शन की सारी वैल्यूज जितनी वैल्यूज है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल एम है, ए से बी तक की सारी वैल्यूज में उनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है स्मॉल एम है। इस इंटरवल की बात करते हैं, मैं पूरे हर एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल सब इंटरवल हम लेते हैं। इस सब इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है कैपिटल एम आर, और इस इंटरवल में ये सुप्रीमम वैल्यू है, और इस सब इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या है स्मॉल एम आर, ये इनफीमम वैल्यू है। अब ध्यान से समझिए, आप इसको पूरे ए से बी तक का जो सब इंटरवल है इस पूरे सब इंटरवल में, ये स्टेप्स में आप हटा दे रहा हूं यहां पर इनको आप नोट कर लीजिएगा, इस पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की क्या है कैपिटल एम, और इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है कैपिटल एम आर। इन दोनों वैल्यूज पे आप कंपैरिजन करिए, अगर मैं सपोज एम आर और एम में एम को सबसे बड़ी वैल्यू कह दूं तो हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा, जो क्वेश्चन में कंसेप्ट दिया हुआ है जो कंडीशन दी है ये एम आर क्या है ये एम आर भी फंक्शन की ही वैल्यू है और ये एम भी फंक्शन की ही वैल्यू है, लेकिन ये एम इस पूरे इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी कि जो कैपिटल एम है उससे बड़ी वैल्यू कोई भी आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू तो ये है और इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है कैपिटल एम आर। तो यानी कि कैपिटल एम आर जो है वो कैपिटल एम से तो छोटा आएगा या फिर मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकता है। अब इन दोनों वैल्यूज में कंपैरिजन करिए, इस पूरे इंटरवल में ए से बी तक के जितनी भी वैल्यूज हैं उन सारी वैल्यूज में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या है सबसे छोटी वैल्यू है स्मॉल एम, इससे छोटी वैल्यू कोई नहीं हो सकती, तो स्मॉल एम सबसे छोटा होगा और इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या है स्मॉल एम आर। तो ऑब्वियस है कि ये जो वैल्यू है या तो एम के इक्वल होगी या फिर इससे बड़ी होगी, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की इस पूरे इंटरवल में क्या है स्मॉल एम। ये सबसे मेन स्टेप है जो आपको याद रखना है, याद क्या रखना है आपको अपना कंसेप्ट यूज करना है यहां पे। अब आप देखिए ये हमको मिल रहा है, ये स्टेप मिल रहा है, अब इस अगले स्टेप में हम क्या करते हैं हर एक जितने भी ये इनइक्वालिटीज आ रही है हर एक इनइक्वालिटी में हम डेल एक्स आर से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो ये एम
डेल एक्स आर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, एम आर डेल एक्स आर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, एम आर डेल एक्स आर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और कैपिटल एम डेल एक्स आर. डेल एक्स आर क्या था? इस सब इंटरवल की लेंथ. लेंथ मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डेल एक्स आर है. और तीनों में समीशन का साइन ले लेते हैं. समीशन एम डेल एक्स आर, आर वन से लेकर के कहा था कि पार्टीशन हमने क्या लिया है, सॉरी एक्स नॉट से जीरो से लेकर के ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पे आर इक्वल टू जीरो टू एन एम आर डेल एक्स आर समीशन आर इक्वल टू जीरो टू एन एम आर डेल एक्स आर और एम समीशन आर इक्वल टू जीरो टू एन डेल एक्स आर. इसमें देखिए आप कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं जिसमें समीशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इसमें आर नहीं आ रहा था, समीशन के बाहर आ जाएगा, तो ये डेल एक्स आर इस तरीके से हो जाएगा. इसमें तो एम आर आ रहा है. आप ये देखिए जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, ये जो फॉर्मूला है ये एम आर, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो क्या है, जितनी वैल्यूज हैं एम, हो सकता है शायद मैंने डेफिनेशन में एम नॉट नहीं लिखा था यहाँ पे, तो जितनी वैल्यूज हैं ये, जितनी इन सारी वैल्यूज में स्मॉल एम आर क्या थी, इनफिमम वैल्यू थी, और उसके साथ उसके इंटरवल सब इंटरवल की लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है. तो ये अभी मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला किसका है, एल पी एफ का. शायद मैंने फॉर्मूले पे वहाँ पे जीरो नहीं लिखा था, जीरो से स्टार्ट नहीं किया था, बट ये जीरो से पार्टीशन, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये एल पी एफ का फॉर्मूला हो गया. और ये किसका फॉर्मूला था अभी मैंने डेफिनेशन में बताया, ये यू पी एफ का फॉर्मूला हो गया. और समीशन, और ये लास्ट वाला जो टर्म आ रहा है, इस लास्ट वाले टर्म में भी आप देखिए एम जो है बाहर आ जाएगा, डेल एक्स आर आर इक्वल टू जीरो टू एन हो गया. तो ये दोनों टर्म्स तो यहाँ पे आई गए. अब ये डेल एक्स आर की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं हम. डेल एक्स आर का मतलब क्या हो गया, समीशन भी है, इसका मतलब आर की वैल्यू हमने जो डेल एक्स है, देखिए जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको लिखाई थी उसमें हमने क्या किया था, जो पहला सब इंटरवल था उसकी जो लेंथ थी वो डेल एक्स वन थी. हाँ, तो ये जो रेशियो है, सॉरी डेफिनेशन मैंने क्लियर लिखा हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया मैंने, जीरो से नहीं लेकर के वन से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहला वाला जो सब इंटरवल है उसको हम वन से डिनोट करेंगे. तो डेफिनेशन में सही एक्सप्लेन किया था मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी. तो जो पहला, इसको फिर दोबारा से आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहला जो इंटरवल की लेंथ बनेगी वो डेल एक्स वन बनेगी, ना कि डेल एक्स नॉट. तो ये जो समीशन बनेगा ये बनेगा डेल एक्स वन प्लस डेल एक्स टू से लेकर के डेल एक्स एन तक. ये समीशन को मैंने एक्सपेंड कर दिया, आर की वैल्यू वन से लेकर के कहाँ तक थी, एन. तो डेल एक्स वन क्या बनेगा, एक्स वन माइनस एक्स नॉट. डेल एक्स टू क्या बनेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन. ऐसे करते करते लास्ट क्या बनेगा, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन. अब इस पूरे सीरीज को ध्यान से देखिए, एक्स वन जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू जो है इसके बाद वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ देखिए सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ दो टर्म्स बचेंगे, एक बचेगा एक्स नॉट और एक बचेगा एक्स एन. एक्स एन माइनस एक्स नॉट आपको सिर्फ मिल रहा है. तो एक्स एन क्या था, एक्स एन था लास्ट वाली वैल्यू, लास्ट वाली क्या थी, बी, और एक्स नॉट क्या था, ए. तो इसका मतलब सिंपल, अगर सिर्फ डेल एक्स आर है तो उस डेल एक्स आर की वैल्यू क्या आ रही है, बी माइनस ए. तो ये डेल एक्स आर की वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ये स्टेप्स आप नोट कर लीजिएगा, आर की वैल्यू कहां से आता है, वन से लेके एन तक. एम ये बी माइनस ए आ रहा है, एल पी एफ यू पी एफ और एम ये भी क्या आ रहा है, बी माइनस ए. और यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ भी करना था, इस थ्योरम में हमको यही प्रूफ करना था. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी एग्जाम्स में काफी टाइम ही पूछी जाती है. तो आज का जो वीडियो था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इन्फीमम और सुप्रीमम और अपर सम और लोअर सम के बिना रीमन इंटीग्रेशन भी सॉल्व नहीं कर सकते. तो हर एक पॉइंट को, हर एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, किसी भी स्टेप में आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं. और इसका जो पहला वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप उसके पहले वीडियो को भी देख सकते हैं. तो ऐसे ही मेन मेन थ्योरम जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसी तरीके की थ्योरम्स हम आगे करते रहेंगे, और उसके बाद हम रिमेन इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे.